कांग्रेस ने नोटबंदी पर बीजेपी का घेराव किया। नोटबंदी के 19 महीने बीत जाने के बाद पता चला कि गुजरात के जिस सहकारी बैंक के निदेशक अमित शाह हैं, उस बैंक में नोटबंदी लागू होने के महज 5 दिन में ही 745 करोड़ के पुराने नोट जमा कराए गए। एक आरटीआई में इसका पता चला है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गोन्यू संवाददाता आदेश रावल। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि नोटबंदी के 19 महीने के बाद आरटीआई में खुलासा हुआ है कि अहमदाबाद के कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर अमित शाह हैं, उसमें नोटबंदी के ठीक 5 दिन बाद 745 करोड़ रुपए जमा कराए गए। इसके अलावा गुजरात के ही 10 कोऑपरेटिव बैंक और हैं जिनके कनेक्शन बीजेपी नेताओं के साथ हैं, उन बैंकों में भी 3118 करोड़ रुपए जमा कराए गए। कांग्रेस का आरोप यह भी था कि नोटबंदी से ठीक 1 महीने पहले पूरे देश के बैंकों में 6000 करोड़ रुपए जमा कराए गए। क्या इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं को पहले ही दे दी थी? कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि कल जब ये स्टोरी सामने आई तो 3 मीडिया हाउसेस के ऊपर अमित शाह की तरफ से दबाव बनाया गया कि स्टोरी को विड्रॉ किया जाए और बाद में इस स्टोरी को हटा दिया गया। काला धन धारकों की मदद करने के धंधे का पर्दाफाश हो चुका और उसका एक छोटा सा पहलू यह है कि अकेले गुजरात में 11 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संचालित हैं, उनमें 5 दिन में 3118 करोड़ रुपया के पुराने नोट जमा हो गए। दूसरा तथ्य, देश के 370 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों में केवल एक बैंक जिसके पूर्व चेयरमैन और मौजूदा डायरेक्टर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह हैं, उन 370 बैंकों में से उस एक बैंक में सबसे ज्यादा 745 करोड़ रुपया जमा हो गया। अब कांग्रेस ने मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत इसके ऊपर जवाब दें, क्योंकि अमित शाह के ऊपर उनके जो मंत्री हैं वो कोई जवाब नहीं दे पाएगा और इसकी एक न्यायिक जांच होनी चाहिए। दिल्ली से आदेश रावल, गो न्यूज़।